अपने होटल का खाना और नाश्ता बहुत ही बेकार है, सीरियसली। तबक 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 पागल बच्चा मेरा। ओ भाई भाग जा, बह जाएगा, टूट जाएगा वो, मत कर यार। अरे बहुत ही खतरनाक है। हाय एवरीवन, तो अब हम दोबारा निकले हैं अपना अगले ट्रिप के लिए। अपने होटल का खाना और नाश्ता बहुत ही बेकार है, सीरियसली। तो इसलिए अब हम दूसरे होटल में जाकर के वहाँ के रेस्टोरेंट में नाश्ता करेंगे। अब नाश्ता करने के बाद देखते हैं, फिर शायद फिर हम जाएंगे गोल्डन बीच, तो वो आगे देखते क्या क्या होता है। शुरू कहाँ जा रही शुरू, तुम घूमू घूमू करने वहाँ गए हैं रेस्टोरेंट के अंदर, देखते हैं आज के मेन्यू में क्या क्या है। बॉइल्ड एग, ये है शायद कोई स्वीट डिश है शायद, चटनी चटनी, इडली, वेजिटेबल डोसा, चना दाल, ये शायद भटोरे, बॉइल्ड वेजिटेबल, सैलेड, कॉर्नफ्लेक्स, जूस, बटर, ब्रेड। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, 199 में अनलिमिटेड, इसलिए दबा के खाना है, दबा के। ठीक है, बेस्ट वन, ठीक है। यहाँ के खाने का डिसीजन बहुत सही था। होटल का नाम है विजय इंटरनेशनल। सोनू टूट जाएगा वो, मत कर यार। ये देखिए, ये पागल बच्चा मेरा। ऐसा लग रहा है कि बफेट का सारा पैसा ये लोग दोनों वसूल कर रहे हैं। फाइनली अब हम ये ट्राई करेंगे, वाटरमेलन जूस। पुन्नु ट्राई कर एक बार। ये पागल बच्चा देखिए, छोनो गिर जाएगी यार ये। अब हम इस होटल से निकल रहे हैं, इनका हॉस्पिटलिटी और फूड का क्वालिटी बहुत ही सही था। 199 में अनलिमिटेड बफेट था। आप ज़रूर आइएगा विजया इंटरनेशनल। अगर आप यहाँ पे स्टे नहीं भी करोगे तो आप यहाँ का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ज़रूर ट्राई करना। सो प्लीज़ ट्राई बफेट हियर एट विजया इंटरनेशनल। विजया, विजया, विजया इंटरनेशनल, या थैंक यू। ये देख सकते हैं, हाँ, गोल्डन बीच। हाँ तो मिलते हैं आपसे डायरेक्ट अब गोल्डन बीच पे। फिर से उसका ड्रामा शुरू हो गया। अब ये अब हम फिर से आ गए हैं गोल्डन बीच, और यहाँ पे इस बीच में बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला माहौल है, बट नहाने के लिए निलाद्री बीच बेस्ट है, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, और पूरा खाली खाली है। ये है छोनू और उसकी मम्मी। अब हम करने वाले हैं ऊँट की सवारी, कैमल राइड, जो चार्जेस है आपके 100 रुपये पे 300 मीटर जाना, 300 मीटर आना। चढ़ने के लिए सीढ़ी है। ये हो रहा हमारा कैमल राइड। ओ माय गॉड, पुन्नु दोबारा बैठेगी, छोनू दोबारा बैठेगी, छोनू, हाँ छोनू दोबारा बैठेगी।
अरे बहुत ही खतरनाक है। ये है गोल्डन बीच और ये है हमारा कैमल राइड। बहुत ही मजा आ रहा है, आप लोग जरूर आके ट्राई करिएगा यहाँ पे। 300 से 400 मीटर 100 रुपए में। ये आप देख सकते हैं हमारी छोनू कैमल को चला रही है ऊंट चलाते हुए। छोनू टपक टपक करे ना, टपक टपक टपक। छोनू क्या करेगी छोनू तुम? ये है पूरी होटल, गोल्डन बीच के ठीक सेंटर में है ये। और हाँ गाइस, अगर आप गोल्डन बीच आ रहे हो तो आप घोड़ा करते हो या फिर कैमल करते हो, कुछ भी आप करते हो, तो याद रखिएगा आप उनसे या फिर घोड़ा या फिर कैमल चढ़ने से पहले आप सब कुछ रेट का अच्छे से पता कर लीजिएगा और आप उनसे अच्छे से बात कर लीजिएगा, क्योंकि वो एक बार ट्रिप एंड होने के बाद फिर वो मतलब पेमेंट को लेकर के बहुत तकड़ा करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले उन्होंने बोला था कि 100 रुपया 1 राइड, बाद में बोलते हैं नहीं 100 रुपीज़ 1 पर्सन, तो 200 का जगह हमें मतलब 400 देना पड़ गया, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। और ये बहुत ही बड़ा वाला लहर आ रहा है, भागना होगा यहाँ से। चोनू बोलो, चोनू इधर इधर बोलो, काचालाल। गोल्डन बीच में जो वेव्स आ रहे हैं बहुत ही ज्यादा वेव्स आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ हो सकता है कि शायद ये आफ्टरनून का टाइम है तो उस वजह से आ रहा हो शायद, बट क्या है रीजन पता नहीं। ये लोग भी गोल्डन बीच का मजा लेते हुए, ओ भाई भाग जा बह जाएगा। हाय बोलो, हाय सबको हाय बोलो, बोलो हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके पुन्नू पकड़ेगी उसको, छोनू मजा आ रहा है, छोनू उसका स्टाइल देख, स्टाइल देख, वो स्टाइल देख, छोनू नाउ नाउ करेगी ना। जा रहे हैं फाइनली समुंदर के अंदर नहाने के लिए, तो आप इस ब्लॉग को एंजॉय करिए। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा वेव, इतना भयानक, बेचारा मेरा बच्चा घुस गया। और वहाँ नीरज का कुछ ज्यादा ही बुरा हाल है। सुनो हो गया ना, उन्होंने करना छोनू का हिम्मत, छोनू अब नीचे आ गई है। देखिए आ रहा है, आ रहा है, उठाइए उठाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ छोनू रुक के, आ जाओ आगे करते ना, ना ना चला जाएगा। छोनू डुबकी लगाने के बाद भी मजा आ रहा है। अब समुद्र का पानी नमकीन नहीं होगा, कैसा लगा छोनू? मजा आया? यस। और ये नीरज को एंजॉय करते हुए
जरा भी डर नहीं लग रहा है। मगरमच्छ समुद्र में तैर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। मोटा मगरमच्छ। दोनों बच्चा को संभाल रही है और वीडियो बना रहे हैं। इन लोगों का पेट ही नहीं भर रहा नहाकर। बेचारी मेरी छोनू, उसको भी बहुत नहाने का मन कर रहा है। तुमको और नानो करना है? हाँ, अंदर जाना है। अंदर जाना है छोनू? हाँ, बाहर जाओ ना क्या? ये दोनों समुद्र में एंजॉय करते हुए, और मेरा छोटा बेबी वो भी जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। जाना है, चले जाओ। तो नीरज नहा लेता है, बाय। अब ये नीरज अपने वाइफ के साथ समुद्र में मजा लेते हुए। ये देख सकते हैं आप लोग स्पीड बोट। तो अब हम यहाँ से गोल्डन में से निकलेंगे। हमारा नहाना हो चुका पूरा, और फिलहाल एक थोड़ा सा टपरी में बैठ करके थोड़ा पानी वानी पी रहे हैं और थोड़ा जूस वगैरह पी रहे हैं। तो मिलते हैं हम डायरेक्ट आपसे होटल में, क्योंकि पूरा शरीर आप देख ही सकते हो, पूरा शरीर पूरा गीला है और गला भी बैठ गया है। तो मिलते हैं डायरेक्ट होटल पे। अरे इधर देखो, इधर। अब हम जा रहे हैं अपने रूम। पूरी तरह से भीग चुके हैं, पूरा शरीर पर बालू बालू है। अब होटल जाना पड़ेगा, और हमारा ये समुंदर का शायद ये लास्ट ही होगा समुंदर का ट्रिप। अब हाँ, समुंदर में नहाने का ट्रिप ये लास्ट ही है। अब यहाँ से सीधा निकलेंगे होटल। तो मिलते हैं सीधे आपको होटल पहुँच के। हमने अभी अपने लंच के लिए डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो वो अभी आ चुके हैं। मुझे जाना पड़ेगा नीचे वो रिसीव करने के लिए। मिलते हैं यहाँ से पिज़्ज़ा खाने के बाद। तो ये है आज का हमारा दोपहर का लंच।
वेज बिरयानी एंड पिज्ज़ा फॉर माई क्यूट क्यूट लिटिल लिटिल छोनू।